चलिए हम आपको लेकर चलते हैं तस्वीर दिखाने के लिए बागेश्वर धाम। सरकार का यह दूसरे दिन का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। लेकर चलते हैं हम आपको तस्वीर दिखाने के लिए कि जहां पर जब उनका आगमन हुआ, उन्होंने भक्तों के बीच में जा कर के जब वो स्टेज पर चढ़े तो किस तरीके से लोगों में माहौल था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अपने आराध्य को देखने के लिए लोग कितना उत्साहित थे। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं आयोजक रुद्र प्रताप त्रिपाठी की, उन्होंने सराहना की जो आज के यह प्रोग्राम से जो बातें निकल के आई है। वो सबसे अहम बात यह है कि अब एक बागेश्वर धाम सरकार का यहाँ पर आश्रम भी होगा, मंदिर भी बनेगा, यह इसी साल से कार्य शुरू किया जाएगा। इस तरीके का वक्तव्य भी रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने बागेश्वर धाम सरकार के आदेश के बाद दिया। लेकर चल रहे तस्वीर दिखाने के लिए, वहाँ पर मंत्री कपिल पाटिल और उनके परिवार के सभी लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुमित पाटिल, उनके अलावा वहाँ पर बबलू के अलावा भी वहाँ पर देख सकते हैं पूरा उनका फैमिली आकर के पहले बाबा जी का दर्शन किया। उसके बाद में वहाँ पर जिस तरीके का माहौल बना, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो खास इस प्रोग्राम में इस इवेंट में सामने आई है बात, वो सबसे अहम बात है कि मंदिर बनाने की बात, आश्रम बनाने की बात सामने आई है। सांसद कपिल पाटिल ने भी, खास करके मंत्री कपिल पाटिल ने भी अपने वक्तव्य दिए बाबा जी के सामने, हम आपको वो भी सुनाएंगे। उसके बाद में रुद्र प्रताप त्रिपाठी, उन्होंने उनका सम्मान भी किया, वो भी तस्वीरें आप देखिए। उन्होंने भी अपने वक्तव्य में भी, कपिल पाटिल ने भी क्या कहा है, हम आपको सुनाने का प्रयत्न करते रहेंगे। पर तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार की यह तस्वीर सामने आई है कि वहाँ पर सांसद कपिल पाटिल भी जाकर बाबा जी से आशीर्वाद ग्रहण कर आगे की दिनचर्या की उन्होंने शुरुआत की। लेकर चलते हैं तस्वीर दिखाने के लिए, खास इस प्रोग्राम में जिस तरीके का माहौल बना रहा, यहाँ पर बाबा जी ने जिसकी जिसकी अर्जी लगाई, उनके उनके दुख सुने, इन सब विषयों को लेकर चलिए हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले कपिल पाटिल ने अपने वक्तव्य में क्या कहा है, उसके बाद रुद्र प्रताप त्रिपाठी ने किस तरीके से बाबा जी की बात को आदेश मानकर उन्होंने आश्रम बनाने की बात कही, फिर बाबा जी के वक्तव्य भी हम आपको दिखाएंगे। लेकर चलते कपिल पाटिल अपने वक्तव्य में क्या कह रहे हैं सुनाने के लिए। हरेक राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, हरेक देश में विश्व के अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, लेकिन पूरे विश्व में जिसकी सरकार है वो बागेश्वर धाम सरकार है। मैं तो कल माता चेन्नई में था, मुझे लग रहा था कि आपके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आखिर आपने बुला लिया। और मैं हमेशा कहता हूं, एक कहानी में बताता हूं महाराज, हमेशा फिर भी एक बात जरूर कहूंगा, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम महाराज जी हमें जगाने आए हैं, हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। जागेंगे तो एक दिन शांत पे तिरंगा लहराएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी सोच यही है
वो पार्टी के बारे में नहीं सोचते, देश के हर इंसान के बारे में सोचते हैं। और ये और अद्भुत बात, यहां से ये सीधे काशी बनारस ही जा रहे हैं कल। आप ज्ञान बाकी में जाकर के अर्जी लगाइए, हमने तो लगा दी है, तो हम आपको कहेंगे क्या मंत्री जी को कि आप जो है ये काशी और मथुरा और हमारा तना हुआ है कल का, ये और चुक जाए 24 के पहले तक, ये कर्जा चुकेगा तो निश्चित रूप से विश्वनाथ भगवान और हम जल्दी से कह रहे हैं बालाजी को घुमाएंगे। कह दिया तो कह दिया, आप चिंता मत करिए, आपको भी आशीर्वाद है और उनको भी आशीर्वाद। हमने ये कह दिया है, आप लोग चिंता मत करिएगा, हम तो स्वयं लगे हुए हैं, झंडा गाड़ करके ही मानेंगे हम। और अगले आयोजन में 3 लाख लोगों को लाने की कौन कौन व्यवस्था करेगा? पक्का जोर से बोलो बगला, चाहो तो अगला आयोजन अगले साल ही कल परसों में डेट फाइनल कर दी जाए। हेलो, एक अच्छी सूचना है हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे भिवंडी के लिए, बहुत बड़ी शुभ और अच्छे से अच्छा, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। महाराष्ट्र के द्वारा जो मेरे को आकर्षित किया गया है कि इधर एक बढ़िया भव्य मंदिर बनाया जाए, आश्रम बनाया जाए, तो वो अभी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। भगवान करेंगे तो जल्दी से जल्दी बागेश्वर धाम महाराज के कई जगह होगी, उसमें बढ़िया भव्य आश्रम बनाया जाएगा बाबा जी का, और उसमें हजारों लोगों का अच्छा होगा। इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी आते हैं उधर तक नहीं पहुँच पाते हैं तो महाराज के पास में इधर आ करके उसका फायदा होगा। गरीब हो, अच्छे हो, जिस तरीके से तकलीफ जिसकी है वो उधर दूर हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को उसका संकल्प मिला है। भगवान चाहेंगे मैं इसका जल्दी से जल्दी काम चालू करने के लिए सोचेगा और आपके पास ही होगा, महाराज के आशीर्वाद से होगा, महाराज ही कर रहे हैं। मैं सिर्फ मेरा माध्यम है कि तुम इधर करना है, बाकी कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी है नहीं है, वैसा उनका है, ऊपर ही अर्पण है, करेंगे अच्छा एकदम। एक दो तीन साल के अंदर इतना बड़ा बागेश्वर धाम मंदिर बॉम्बे का होगा कि अभी आप लोगों को भी लगेगा बहुत अच्छा हो गया, आप लोग उतना लंबा जाते थे, जाना उधर भी है, वही धाम इधर है, तो सब लोग मिलके इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाया जाए। बोलिए बागेश्वर धाम की me।
संपत्ति दे पाओ या ना दे पाओ, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, मस्तक पर तिलक, हाथ में रामायण जरूर देकर जाना। वो बालक आपका नाम तो रोशन करेगा, उस भूमि का भी रोशन करेगा जहां जन्म लेगा। देकर जाते हैं अपने बेटे और बेटियों, बुरा मत मानना, पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, साक्षर होना बहुत जरूरी है ताकि कोई तुम्हें बुद्धू ना बना सके, लेकिन केवल पढ़ा लिखा अगर होना बहुत जरूरी नहीं। पढ़ लिख करके रोजी रोटी तो कमा सकते हो, लेकिन जीवन जीने की कला अध्यात्म से ही आती है। तनाव के शिकार होते हैं, अनेक बच्चे यहां भी बैठे हैं जो आए दिन एक ही बात को सोचते रहते हैं, आए दिन फिर आत्महत्या करते हैं, न जाने कितने प्रकार से टॉर्चर होते हैं। इसी मुंबई महाराष्ट्र में ना जाने कितने ऐसे कांड हो गए। बुरा मत मानिए, माफ कीजिएगा, इसमें गलती अभिभावकों की है ना कि उस बच्चे की।